नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। सदूलपुर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा सहयोगिनी व सहतनी कर्मचारी यूनियन उप शाखा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया तथा मांगों के समर्थन में CDPO कार्यालय घेराव कर मुख्य द्वार पर ताला लगाकर नारेबाजी कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मिनी सचिवालय के सामने से इकट्ठे होकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जुलूस के रूप में पंचायत समिति प्रांगण में स्थित CDPO कार्यालय पहुंची। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भीड़ को देखकर CDPO कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों ने मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। इस संबंध में आंगनबाड़ी अध्यक्ष सविता धोलिया ने बताया कि CDPO को लिखित सूचना देने के बावजूद कार्यालय में से गायब है। ऐसी स्थिति में उनके सामने मात्र विकल्प प्रदर्शन ही है। उन्होंने बताया कि CDPO ने उनकी शिकायत पर रिसीव्ड कॉपी देकर वार्ता करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज कार्यालय में एक दो कर्मचारियों को छोड़कर सारे कर्मचारी नदारद हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हक और अधिकार मांगने का सभी को अधिकार है, लेकिन किसी अधिकारी को तानाशाही पूर्ण व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। लगभग एक घंटे बाद कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने CDPO कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को सुनने के लिए कोई अधिकारी और कोई कर्मचारी नहीं आया, लेकिन पुलिस जरूर पहुंच गई। अध्यक्ष संगीता धुलिया ने बताया कि मिठई बलवंत सिंह निवासी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती दलित महिला चंद्रकला को बिन किसी कारण हटाए जाने, गर्म खाना, नाश्ता व बेबी मिक्स एवं पोष्टिक आहार का बकाया भुगतान, चुनावी वादा पूरा करने, NIT प्रशिक्षण आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ही देकर उन्हें केंद्र पर रखने, महिला पर्यवेक्षकों को खाली पड़े पदों पर अनुभव के आधार पर आंगनबाड़ी कर्मियों को बिना शर्त देने, आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण करने, यूनिफॉर्म का कोड बदलकर नगद भुगतान करने आदि मांगों का निस्तारण नहीं होगा तो आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया है। समाचार लिखे जाने तक तीखी धूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अधिकारियों का इंतजार कर विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुई थी। हमारे यहाँ पे उतनी देर से मोदी शुरू के अंदर उनका व्यवहार अच्छा नहीं है महिलाओं के प्रति। वो महिला शोषित अधिकारी है और एक हमारी जो ये गर्म खाने का और नाश्ते का पैसा है वो एक साल से रुका हुआ है, और सेक्टर बैठकों के अंदर जाते हैं तो किराया भी हमारा नहीं दिया गया है और बिना बताए हमारा मानदेय काट लिया जाता है, और चार सेक्टरों का सितंबर माह 2017 से बकाया पैसा हमारा नहीं भुगतान किया गया है, और 12 सेक्टर के पूरा भुगतान अभी तक बकाया है। इसके लिए हमने आंदोलन किया है और बार बार हम इनको चेतावनी दे चुके हैं। आज मजबूर होकर हमें ऑफिस के ताला लगाना पड़ा।